अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने रविवार को 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसमें सीकर और रींगस जंक्शन सहित राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए देश भर के इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सीकर स्टेशन पर 18 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से कई विकास कार्य होंगे। वहीं रींगस में 17 करोड़ 40 लाख से विकास होगा। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के विकास में एक नया आयाम स्थापित किया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत 508 नए रेलवे स्टेशन्स का विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। राजस्थान प्रदेश को देश में सर्वाधिक स्थान मिला है। 55 रेलवे स्टेशन का विकास कार्यों का शिलान्यास राजस्थान में भी हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए की राशि सारे भारत में खर्च होगी, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपया अकेले राजस्थान में खर्च हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। इस योजना में उन्होंने सीकर को भी सम्मिलित किया और सीकर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 18.11 करोड़ और हमारा दूसरा रिंगस का रेलवे स्टेशन जो प्रथम चरण में लिया है उसके विकास के लिए भी 16 करोड़ से ज़्यादा रुपया स्वीकृत किया है। सीकर के लोगों को दोनों तरफ से प्रवेश करने का मौका मिलेगा। प्रत्येक प्लेटफार्म पर छाया होगी, लिफ्ट होगी, 12 मीटर चौड़ा फुट और ब्रिज होगा, बैठने की अच्छी सुविधाएं होंगी और कौन सा डिब्बा कहाँ खड़ा होगा इसके लिए इंडिकेटर होगा, तो ये बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। एक आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन न केवल मात्र एक गाड़ी आने का स्थान होगा बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति को भी वो दर्शाएगा। हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हमारी सीकर की जो शेखावाटी की छटा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसका जो सामने का फ्रंट है उसको भी बहुत सुंदर बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी। ये कार्य सीकर के रेलवे स्टेशन होंगे। मैं इस विकास के कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे सीकर की स्टेशन को भी 18 करोड़ रुपए लगा करके इसका विकास होगा। ये आधुनिकता के हिसाब से इसको सजाया जाएगा और इसमें जो खास तौर से ये जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तो 12 फीट चौड़ाई की जो रास्ता बनाया जाएगा और उनके ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी, ये एक बहुत ही सुविधाजनक हर आदमी के लिए होगी। और इसका जो विकास होगा इसके लिए मैं स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। की नगरी है और शिक्षा की नगरी का जो शिक्षा अब है वो पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड पर है, जिसमें न केवल राजस्थान के बच्चे बल्कि पूरे देश भर के बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। उनके आवागमन में जो सुगमता होगी इसके लिए इस शिखर में संस्थाएं संचालित करने वाले सारे लोगों की तरफ से भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और सांसद महोदय का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस इबारत में जिनके अमिट हस्ताक्षर शामिल है, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष इंदिरा जी और सुरक्षागण मातृशक्ति और आदरणीय बंधु, विषय अभी टीवी पर स्क्रीन पर सामने था। भारत में एक बात चलती है कि रेलवे यानी अंग्रेजों की देन और सड़कें शेर शाह सूरी का नाम, और इन दोनों मिथकों को मिटाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया। अटल जी ने साबित किया कि वो शेर शाह सूरी से कहीं आगे है और भारत में सड़कों के ऐसे गलियारे बनाकर बताए कि हम आधुनिक भारत के नियम के आगे बढ़ने वाले हैं। इस योजना के तहत सीकर रेलवे स्टेशन की दूसरी एंट्री वर्तमान एंट्री के सामने बनाई जाएगी,
जिस तरह की सुविधाएं अभी एंट्री में है वैसे ही नई एंट्री में होगी। इसके अतिरिक्त एक 12 मीटर का फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा जो स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ेगा। सांसद ने कहा कि मौजूदा पार्किंग एरिया को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट, टॉयलेट्स, वेटिंग रूम का भी निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही प्लेटफॉर्म पर छाया के लिए सुविधा विकसित की जाएगी। यात्रियों को कोच की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं रेलवे की ओर से स्कूलों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को प्रशंसा पत्र और इनाम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद यात्रियों, स्टूडेंट, कर्मचारियों और अन्य लोगों को रेलवे के इतिहास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और केंद्र सरकार द्वारा भारत के रेलवे स्टेशनों पर करवाए गए विकास कार्यों के बारे में बताया गया। इस दौरान सीकर रेलवे स्टेशन पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, पवन जोशी, राजकुमार जोशी, केडी बाबर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिता शर्मा, डॉक्टर रामदेव चौधरी, रतन सैनी, दिनेश जोशी, ईश्वर सिंह राठौड़, भंवरलाल जांगीड़, अशोक चौधरी, विजयपाल खीचड़, मनोज बाटड़, नीलम मिश्रा सहित रेलवे के अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।